This time, I want to take you to Manali and show you the places in a way that you haven't seen before. कैसा लग रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि बैग ने इसको उठाया हुआ है कि इसने बैग को उठाया हुआ है। वो कितने नीचे है पता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। वी आर गोइंग ऑन द न्यू ईयर्स ईव। कसम से पूरा बैग जो है हमने कमरे कैमरे से भरा हुआ है। मतलब बहुत हल्का तुम्हारा बैग लगता है। हाँ तो भाई, पुणे से मनाली पहुँचना इतना भी आसान नहीं है। पहले तो फ्लाइट लो, फिर मेट्रो और फिर बस पकड़ के 14 घंटे की नाइट जर्नी करने के बाद आप पहुँचते हो मनाली। मतलब पूरा एक दिन मान के ही चलो। ये है हमारी प्रॉपर्टी, यहाँ रुकने वाले एक हफ्ते के लिए। और अभी हम पूछ रहे थे यहाँ पे स्नोफॉल का क्या आस आ रहा है, यूजली न्यू ईयर पे होती है, बट अभी वो बोल रहे हैं कि 50% चांस स्नोफॉल होगी। अगर स्नोफॉल होती है बहुत खूबसूरत दिखेगा। सीरियसली वैसे भी बहुत शांत वाली जगह लग रही है, थोड़ा मनाली से दूर है ये 7-8 किलोमीटर, तो यहाँ शांत वाली जगह पर आएंगे कुछ टाइम। मस्त लग रहा है यहाँ, बहुत ज़्यादा आते ही अच्छी वाइब लग रही है। इस बार हमें मनाली में नहीं, मनाली के आउटस्कर्ट्स में रुकना है, जहाँ थोड़ी शांति हो, हम ट्रैवल और वर्क दोनों एक साथ कर सकें। सो वी डिसाइडेड टू चूज दिस लोकेशन, मनाली आउटस्कर्ट्स विला। यहाँ पे रुकने का ना एक अलग ही बेनिफिट है, जो मैं आगे जाके आपको इस कहानी में बताऊँगा, एक्चुअली दिखाऊँगा। लंच करते करते तो शाम हो गई थी, तो बस हमने थोड़ी देर वेट किया और निकल पड़े ओल्ड मनाली के लिए, ताकि वहाँ से थोड़ी लोकल शॉपिंग हो जाए। तो ऐसे हम जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ कुछ लोकल कपड़े ज़रूर खरीदते पहले ही दिन, ताकि फिर अच्छी वाइब आए वहाँ पे। गरम तो है बहुत, तो सही लग रहा है पूरा। ये इसके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा? बहुत ही खुश है यहाँ पे, शॉपिंग चल रही है। यस। थोड़ा सा मार्केट घूमते घूमते पता चला कि यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत मस्त है। यू नो, बहुत सारे कैफे हैं टू एक्सप्लोर एंड वी विल डू इट सम अदर डे, बट फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू हैव द पाव भाजी। यू नो, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फास्ट फूड। सो इसके साथ ही आज का दिन तो ख़त्म ही होता है। धूप लग रही है यहाँ पे, पर बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि ना, आज थोड़ा रिलैक्सिंग वाला डे है, मैं आसपास जाता हूँ। यहाँ पे बहुत शांति जगह है, यहाँ पे पीछे जाके थोड़ा सा रनिंग करके आता हूँ यहाँ पे, तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा वर्कआउट टाइप हो जाएगा। और पहाड़ों के बीच में हमेशा से मेरा मन करता था कि आराम से स्लो ट्रैवल कर रहे हैं, फास्ट ट्रैवल नहीं कर रहे। सो दिस टाइम
That's why I decided to do the slow travel. हम एक हफ्ता सिर्फ यहाँ पे रहेंगे इस वाली प्रॉपर्टी पे. तो अभी मैं निकलता हूँ, थोड़ा सा रनिंग करके आता हूँ, अच्छा लगेगा. एक्चुअली मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था, यू नो, स्लो ट्रैवल इन माउंटेन्स. पहले कोविड टाइम पे मैंने बीच साइड पे तो ट्राई किया है, बट माउंटेन्स में मुझे पता था अलग ही मज़ा आएगा, क्योंकि माउंटेन से मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार है. अभी इस टाइम पे ना मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आ रही थी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो. सर्दियों में शाम बहुत जल्दी हो जाती है, तो इस दिन हम कहीं दूर तो गए नहीं, बस इन व्यूज़ को ही फील कर रहे थे. हमें पता था कि अब मौसम बदल रहा है और स्नोफॉल कभी भी हो सकती है. तो फिर जब हम अगले दिन उठे तो सुबह के व्यूज़ कुछ ऐसे थे. मैं बस जल्दी से उठ के मॉर्निंग में एक पहाड़ के ऊपर चला गया, यू नो, जहाँ से पूरा मनाली दिखता है. इट फेल्ट सो गुड टू विटनेस ऑल दीज व्यूज एंड आई गॉट सो एक्साइटेड फॉर कमिंग अप फ्यू डेज. जिस पहाड़ पे हम अभी ट्रैक करके आए हैं, इसको बोलते हैं बनारा विलेज. और हम थोड़ी देर इस पहाड़ पे रुके होंगे कि अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया. लगा कि आज तो मनाली विंटर वंडरलैंड बनने ही वाला है, मगर ऐसा हुआ नहीं. अभी कुछ दिनों का इंतज़ार और लिखा था, पर हर साल न्यू ईयर से पहले एक बार तो स्नोफॉल होता ही है, तो हमें उम्मीद तो पूरी थी. इसके बाद हम दोपहर में निकलते हैं मेन मनाली सिटी के लिए, और यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर होगा, तो बस हमें 15 से 20 मिनट लगे और हम पहुंच गए टू द मोस्ट फेमस मार्केट रोड, द मॉल रोड. यू नो, यू कांट मिस दिस स्ट्रीट. सीरियसली, विल लव द वाइब हियर. मार्केट में यहाँ थोड़ा देर रुकने के बाद हम वॉक करते करते पहुंच जाते हैं हडिंबा देवी टेंपल. शॉट अच्छा आएगा. ये यहाँ का सबसे फेमस टेंपल है. बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है, आई थिंक हमें किसी और जगह पड़ेगा यहाँ पे. यू नो, बात बिल्कुल सही है, यहाँ तो आना पड़ेगा और सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में ही आना पड़ेगा. वैसे हम कहीं भी जाते हैं ना, तो क्राउड से हट के कुछ अलग जगह ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कि ये जगह. बस हडिंबा टेंपल के पास में ही थी. यू नो, पता नहीं क्यों मुझे इतना प्यार है नेचर से. क्या आपको भी मेरी तरह फील होता है? लाइक, आपको सिटी ज़्यादा पसंद है या फिर ऐसी लाइफ, फुल एडवेंचर इन टू द नेचर? टेल मी इन द कॉमेंट्स. आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ. यू मस्ट हैव सीन दैट इन माई ट्रैवल वीडियोज आई चेंज बैकग्राउंड म्यूजिक अ लॉट, यू नो, लाइक सीन चेंज, मूड चेंज, म्यूजिक चेंज, एंड दैट रियली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट टू मेक योर वीडियोज लुक इवन मोर इंटरेस्टिंग. सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ प्लेटफॉर्म दैट आई हैव बीन यूजिंग सिंस आई स्टार्टेड यूट्यूब. इट्स एपिडेमिक साउंड. यू नो, दे प्रोवाइड रॉयल्टी फ्री सॉन्ग्स फॉर लाइफ टाइम, सो यू कैन यूज इन योर वीडियोज एंड मोनेटाइज इट फॉर एवर विदाउट एनी कॉपीराइट क्लेम.
Also, in this whole video, I have just used Epidemic Sound. You know, it's so easy to find songs on Epidemic Sound. You can find it according to the different mood, different genre, and you can apply a lot of filters to find the perfect song for you. You know, maybe you need it for the vlog, for the travel, for the film, or for the tech, basically anything. And Epidemic Sound also has more than 90,000 sound effects. So your music and sound effects both are sorted. So just go to the link in the description. And if you use my code AnkitBhatia50, then you will get 30 days free trial with 50% off for the next 2 months. Isn't it amazing? So just go to the link in the description. Now, let's continue with the travel video. Hey guys, good morning. काफी दिन से हम सिर्फ यहीं पे रह रहे थे, सिर्फ ओल्ड मनाली में घूमे और यू नो जस्ट मार्केट में घूमे. आज हम फाइनली निकल रहे हैं सेथन वैली के लिए, जो कि एक ऑफबीट लोकेशन है मनाली के आसपास. और कल ना स्नोफॉल होने के पूरे आसार थे पर हुए नहीं, आपने देखा होगा, वेट करते रह गए बट स्नोफॉल नहीं हुआ. बट आज एकदम से मौसम खुल गया, सो 2-3 दिन के लिए मौसम ऐसा ही रहने वाला है और फिर उसके बाद न्यू ईयर के पास आसार है स्नोफॉल होने के लिए. सो हम फटाफट से यहाँ से चलते हैं. ये देखो हमारे सारे फ्रेंड्स से मैं मिलवाता हूँ आज की जर्नी के लिए. हमारे साथ कौन कौन है? तो हमारी टीम है आज की. मैं अंकुर पठानिया एंड आई लव टू ट्रैवल. ओके. मायसेल्फ सिद्धार्थ कश्यप एंड आई एम अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर. ओके. हाय गाइस, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, बस मजे के लिए कुछ बना रहा हूं. सारे तो मैं बस टैग कर रहा हूं, कुछ नहीं. सेथन वैली सिर्फ 15 किलोमीटर है मनाली से एंड दिस इज़ कंसिडर एज ब्यूटिफुल ऑफ बीट लोकेशन, क्योंकि यहाँ के रास्ते भी बहुत सीनिक है और इस वैली में बहुत सारी जगहें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि पांडुरूपा, इंद्रासना पीक, हमता पास ट्रैक, इग्लू विलेज. और समर टाइम पे ये फेवरेट लोकेशन होती है लोगों की कैंपिंग करने के लिए. We have made it to a beautiful viewpoint and from here I can see the whole valley view. Like I can see all the snow-capped mountains from here, and like it's just on the way to Sethan, so it's around 10 to 15 kilometers from here. So let's quickly go and I'll show you. So guys, we have made it to the starting point. We have parked our car here and from here the valley starts. Like it's called as the Hamta Valley and it's in Sethan. So we're gonna go way up there and we'll be shooting on the way. And we're going towards that woods, so thoda sa wo cover karenge. Okay. And we will get a literally very good cinematics there. Yeah, this is actually really beautiful valley. Yeah, literally amazing. There's nobody here. Yep. Let's go. Pata hai summer time mein na, yahan se Hamta Pass ka trek start hota hai. Bahut hi sundar trek hai. You know, maine ye trek 2017 mein kiya tha. और ये पहली ट्रैवल सीरीज थी जो मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट की थी, तो कह सकते हो कि जर्नी थोड़ी थोड़ी यहीं से स्टार्ट हुई थी. ओके, हमने शायद 10 या 15 मिनट ही वॉक किया होगा और हम यहाँ पे बहुत सी ओपन वैली में पहुँच गए. यहाँ पे बहुत खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं चारों तरफ. देखो हमें चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लोग बहुत ही कम है. लाइक ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, काइंड ऑफ ऑफबीट लोकेशन है. अगर आप यू नो टूरिस्ट लोकेशन पे जाओगे, रोहतांग साइड जाओगे, तो इट्स गोना बी वेरी वेरी क्राउडेड. ऐसी जगह मुझे ज़्यादा पसंद आती है. देखो ना यार, देयर सो मेनी प्लेसेस. ऐसे जाएंगे ना आगे, पूरा हमता वैली आएगी आगे जाके, बट हम आगे नहीं जाएंगे, ऑलरेडी शाम हो रही है. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और इन्जॉय करेंगे एंड देन वी गो बैक. We'll be right back.
हम इस जगह पे ना एक और वीडियो के शूट के लिए आए थे और हमने वो भी कवर कर लिया और इसके साथ साथ ट्रैवल भी हो गया। मतलब कभी कभी ना खुद कहने का मन करता है क्या लाइफ है यार। गुड मॉर्निंग, आज हम निकल रहे हैं सिसु के लिए और वहाँ पे जितनी भी लोकेशन से आसपास हम कवर करेंगे तो ऑटो टनल होते हुए हम जाने वाले हैं। और आज का वेदर बहुत ज़्यादा क्रेजी इंसेन है, यहाँ पे लाइक स्नोफॉल वहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है ऐसा दिख रहा है। वो मे भी हो सकता है जब हम शाम को वापस आ रहे होंगे, यहाँ मनाली में भी स्नोफॉल तब हो रहा, और कल का भी प्रेडिक्शन है ऐसा है कि पूरा दिन स्नोफॉल होने वाला है। सो आज बहुत मज़ा आने वाला है, चलो चलते हैं फटाफट से यहाँ से। आज हम दोनों हैं सिर्फ, सारिका और मैं मनाली में आज हमारा तगड़ा एडवेंचर होने वाला है। उस साइड एक्चुअली मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो लाहौल है, एक रास्ता स्पीति कटता है, एक रास्ता लद्दाख कटता है, किलोंग है, तो ऐसी काफ़ी सारी लोकेशन है, वहाँ जाके एक पता चलेगा। मनाली में अगर आप अटल टनल की तरफ जा रहे हो ना, देन बी प्रिपेयर्ड, बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है क्योंकि सबको जाना है, पर इट्स ऑल वर्थ इट। यार हम तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लकी हुए थे क्योंकि यहाँ स्नोफॉल होने वाला है। फाइनली हम अटल टनल पे पहुँच गए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, और ये अटल टनल इट्स एट 10,040 feet। हम अटल टनल के सामने पहुंच गए हैं, पर यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। आई विश हम आगे जा पाते, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ जिनका स्टे है वहाँ पे वही जा सकते हैं, तो मे बी हमें दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पे जिस दिन स्नोफॉल नहीं होगा, जिसके लिए मनाली आए थे। यस, वो तो मिल गया हमें। बहुत ज़्यादा तेज स्नोफॉल हो रहा है अभी भी। अभी तो यस यस कर रहे हैं, शाम को पता चलेगा, ठंडी जो पड़ेगी भयंकर। यहाँ पे देखो पूरा विंटर वंडरलैंड बना हुआ है यहाँ पे, तो विंटर्स में अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो 4x4 में ही आना, अदरवाइज इट माइट बी रिस्की टू ड्राइव ड्यूरिंग स्नोफॉल, स्पेशली आफ्टर स्नोफॉल। आई विश हमें अटल टनल के उस पार जाने को मिलता, बट बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल वी जस्ट एंजॉयड हियर फॉर कपल ऑफ आवर्स। पिछले 2 घंटे से हम अटके हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है और लाइक गाड़ियाँ अटक चुकी हैं, कुछ कुछ गाड़ियाँ बीच में यहाँ पे टकराई भी हैं, तो हम बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि थोड़ा रास्ता क्लियर हो जाए। आगे जीसीबी भी है जो कि क्लियर कर रही है यहाँ के रास्ते, और बहुत सारे लोग रास्ते पर आ गए हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि हम नीचे कैसे पहुँचेंगे। आई होप सब कुछ सेफली हो जाए यहाँ पे, बहुत डर लग रहा है मुझे। अच्छा ब्रेक मार ही नहीं रहा, ये बिना ब्रेक के चल रही है। उस रात स्नोफॉल रुका ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब पूरे रास्ते पे ऐसे ही स्नोफॉल हो रहा था टिल वी रीच्ड मनाली, और फिर नेक्स्ट डे हम निकलते हैं एक और एडवेंचर के लिए। मॉर्निंग गाइस, फाइनली वी आर सुपर बम्ड अप, आप देख सकते हैं वहां पे बर्फ पड़ गई है। यस, कल रात को तो यहां पे भी बहुत गिरी जमनी भाई, बट ओ शीशा नीचे यार, क्या नाम है साउथ इंडियन एक्टर का, दुलकर जी इज हियर, सुपर बम्ड अप फॉर ड्रोन शॉट्स। देखो सही कहां है कैमरा, इतना नहीं पता मुझे। चलो, मैंने बोला था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस जगह पे रुकने का एक अलग ही फायदा है, तो ये फायदा है कि सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर ऊपर जाओ और यहाँ पे कुछ व्यूज ऐसे मिलेंगे आपको। कैसा लग रहा है भाई? भाई बड़ा मजा आ रहा है।
कल हम रात को बहुत लेट हो गए थे आते आते, और जैसे हम आज सुबह उठे माहौल कुछ ऐसा है, चारों तरफ जाम रह रहे हैं अपने विला में। जस्ट वहाँ से थोड़ा सा आगे हम निकले, ऊपर की तरफ आए और चारों तरफ स्नोफॉल वाले माहौल यहाँ पे हो रहा है। नीचे हुई नहीं बट यहाँ पे हुई अच्छी वाली, तो यहाँ पे आ गए सुबह सुबह। क्या क्रेजी व्यूज है भाई यहाँ पे। व्यूज तो क्रेजी है, अंकित भाई स्लीपर्स में आ गए। हाँ यार, मैं स्लीपर्स में आ गया, देखा नहीं, असली मजा स्लीपर्स में। वहाँ देखो भाई, अंकित भाई स्नो पड़ रही है। ओ भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। मेन रोड बना हुआ है, लोकेशन मैं बताता हूँ। बोलो गाइस, आज हम आ गए हैं एक हिडन जेम, इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पर हमने जो एक्सप्लोर करना है वो अगले 5 मिनट में आपके सामने होगा। हमारे साथ है हमारी टीम में अंकित भाटिया, कैमरे के साथ लाइव रिकॉर्डिंग फ्रॉम अननोन लोकेशन। सब कुछ ऐसे ऐसे से हिल रहा है। अंकित भाई कैसे लग रहे? अब जा रहे वॉक करके जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। तुम वॉक की बात कर रहे हो, यहाँ आगे चप्पलों में मुझको कुछ बोल के कुछ कर दिया गया मेरे साथ। सॉरी मेरे साथ गेम खेला इन लोगों ने। सो यहाँ से आगे हमारी कार जा नहीं पाएगी क्योंकि 4x4 नहीं थी। देखो पूरा रोड आइस वाला बना हुआ, तो हम वॉक करके ऐसे आगे जा रहे हैं। थोड़ा देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सो हम यहाँ पे चलते चलते इस व्यू पॉइंट पर पहुँचे। यहाँ से पीछे का पूरा वैली व्यू दिख रहा है और चारों तरफ स्नो कैप माउंटेन्स। आई थिंक पूरे मनाली में सिर्फ यहीं पे हो रही है स्नो, क्योंकि आगे तो मनाली बहुत नीचे है, थोड़ा सा ऊपर आ गए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। दिस इज डेफिनेटली ब्यूटीफुल। यू नो, ये पहली बार था कि मैं कुछ ऐसे व्यूज कैप्चर कर रहा हूँ FPV के साथ। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक बर्ड हूँ और इस वैली से उड़ते हुए मैं क्रॉस करते हुए जा रहा हूँ। क्या मजा आया था मुझे। Good morning guys, it's a new day, actually it's the last day of 2022, और हमारा भी ये आखिरी दिन है। कल शाम में हम निकलेंगे यहाँ से, तो आज हम बस यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। आपको वहाँ पर ट्रीज दिख रहे हैं, बहुत सारे वुड्स ट्रीज, वहाँ थोड़ा सा हाइक करके जाएंगे ऊपर और देखेंगे वहाँ पे क्या है, और उसके बाद सीधा हम जाएंगे मार्केट में। और आज का दिन हम शॉपिंग के लिए रखा था, तो आज थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेंगे। इतने दिन से रह रहे थे, हमने ज़्यादा शॉप नहीं किया है,
अभी फिलहाल के लिए हम वॉक करके जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग थे हमारे साथ वो सब जा चुके हैं वापस, हम ही रह गए हैं अभी 30 बस पे, बट हम इंजॉय करने वाले हैं। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, गर्म गर्म एकदम धूप दिख रही है। दो दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, स्नोफॉल थी, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अच्छा जो शॉर्ट्स लिए बहुत भीड़ हो गई। अच्छा लग रहा है यार मुझे ऐसे चलते हुए ना, अच्छी वाइब आ रही है। ये देखो हमारी सारी का डांस करते हुए, आज का मौसम बहुत अच्छा है। दिस इज येट अनदर लोकेशन, यू नो जस्ट ऑपोजिट टू वेयर वी वर स्टेइंग, और यहाँ भी हमने एक और कैमरा ब्रांड के लिए शूट किया था। हम वॉक करते करते यहाँ पे बहुत अच्छे से जंगल में आ गए हैं। चारों तरफ देखो क्या व्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ऐसी जगहों पे शूट करने में बहुत मज़ा आता है। ये तो ओनली वंस, यार क्या ट्रिप ही है यार ये। चारों तरफ पेड़ देख, फिर देखो इट्स सो ब्यूटीफुल, ऐसी जगहें मुझे अच्छी लगती हैं, इतनी शांति यहाँ पे। सो विल टेक लॉट ऑफ शॉट्स हियर। सारिका वहाँ पे बैठी अकेले, सारिका वहाँ पे बैठी, अनएक्सप्लोर्ड है। मजा इसलिए आता है क्योंकि ये जगह अनएक्सप्लोर्ड है। हाँ सही बोला, लाइक है ही नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे, नोबडी इज अराउंड। इस ट्रिप पे आके मुझे बहुत कुछ रियलाइज हुआ कि किस टाइप का ट्रैवल करना है मुझे आगे जाके अपनी लाइफ में। दिल से ना मैं बहुत खुश था कि मैंने मनाली आने का फैसला किया न्यू ईयर पे। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। हमने इतनी सारी लोकेशंस कवर की इस वीडियो में, शायद अब आपको पता है मनाली में अगर विंटर्स में आना है तो कहाँ कहाँ जाना है। वैसे मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी और भी जगहें हैं जो कि आप शायद खुद से एक्सप्लोर करोगे। हमारे पास तो सिर्फ इतने ही दिन थे, तो बस इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा जल्द ही अगली वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, धन्यवाद।